ओके अभी तक हमने जो एक मॉडल किया वो तकरीबन एक पॉलीगॉन मॉडल था, ठीक है ना। अब अगर हमने कोई एक बॉटल शेप अगर क्रिएट करनी हो, तो अगर हमारा सिर्फ हमें सिर्फ पॉलीगॉन मॉडलिंग आती है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिलेंडर को, ठीक है। सिलेंडर पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको मैं टॉप व्यू से सबसे पहले इस तरह क्रिएट कर लेता हूँ। ये सिलेंडर यहाँ से क्रिएट हुआ, एफ प्रेस करके इसकी हाइट असाइन कर दी मैंने। इसके बाद इसके कुछ सेगमेंट्स वगैरह को मजीद में चाहता हूँ कि बढ़िया, तो एफ प्रेस कर लेते हैं हम मॉडिफाई पैनल और कैप सेगमेंट हाइट सेगमेंट इसके 5 हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 7। ओके राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिट पॉली वर्टेक्स की मदद से अब इसको सारा मॉडलिंग करेंगे। ओके जी अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो मेन शेप है वो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आर प्रेस कर हमारे पास देखें यहाँ पे अब दो ऑप्शंस होते हैं। जो बॉटल शेप होती है वो चारों तरफ से एक जैसी होती है, ठीक है ना। अगर मैं इस स्टेज पे रहते हुए अभी मेरे पास कौन सा व्यू है यहाँ पे फ्रंट व्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए एक्स की वैल्यू पे अगर इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो हमें अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों साइड से बड़ा हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ दो साइडों से इस तरह से बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप जब भी इसको बड़ा करेंगे तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूं मैं अगेन और फ्रंट व्यू में आकर इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करा और डायरेक्ट इस तरह से इसको बड़ा किया। आप देखें इस तरह से बड़ा करा, ठीक है, उसके बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा छोटा करा, रिसाइज करा, ठीक है। अल्ट्रा डब्ल्यू पर्सपेक्टिव व्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये चारों तरफ से इस तरह से बराबर है, ठीक है। मजीद इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, देखते जाइएगा इसमें जितनी हमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है ना, ठीक है, उसके बाद इसमें नहीं आएगी जो हम इसके बाद वाले जो काम करेंगे। ये कैप वाला सेक्शन मुझे हमने यहाँ पे एज और लगानी है, आपने इस तरह एज सेलेक्ट करी, उसके बाद कनेक्ट के ऑप्शन में जाके क्लिक करा, इस एज को यहीं से ऊपर की तरफ मूव करवाया ऐसे, ठीक है। अगेन यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट कर अगेन कनेक्ट करवाया, इसको इस पर मूव करवाया, वन प्रेस कर इसके वर्टेक्स को आपने थोड़ा सा इस तरह से मिला कर इन दोनों वर्टेक्स में, और थोड़ा सा अब यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सेटिंग हो जाए इसकी, ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथनेस लाने के लिए यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे भी हमें एक चाहिए होगी इस तरीके से, वन प्रेस किया वर्टेक्स में आकर अगेन यहाँ पे लाकर इसको रखा, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस तरह से स्मूथनेस के ऊपर आई, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे लाकर रखा। ओके जी काफी टाइम लगा बनाने में, ठीक है, अब हम दूसरा तरीका इसका और देखेंगे। अच्छा इसको ये भी रख लेते हैं साइड में। ओके एक तरीका तो ये था कि अगर जिसको मॉडलिंग अच्छी आती पॉलीगॉन में वो उस बॉटल को और भी अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकता है। अब दूसरा तरीका ये है कि फ्रंट व्यू में जाकर ये जो हमारे पास शेप्स होती हैं ये हमारे किस काम आ सकती हैं,
ठीक है, हम सिंपल कीबोर्ड से एस प्रेस कर लेते हैं। एस प्रेस कर हमने चेक करना है कि यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स की जगह ग्रिड पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वर्टेक्स में सेटिंग करी थी। आपने सिंपल यहाँ पे लाइन पे क्लिक करा, ठीक है, और सिंपल आपने यहाँ पे अब इस बॉटल की आउटर शेप जो है वो सिंपल डिजाइन करना शुरू करें। ओके, ये आपने आउटर शेप डिजाइन कर ली यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, मॉडिफाई पैनल में जाकर ये होता है हमारे पास मॉडिफायर लिस्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो एनिमेशन या और भी जो चीजें बन रही होंगी, ठीक है, वो मॉडिफाइड लिस्ट के जरिए यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, उनको अप्लाई करके बन सकते हैं। कीबोर्ड से जैसे आप प्रेस करेंगे L, तो L प्रेस करते हमारे पास आ जाता है लेथ का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे लेथ का ऑप्शन है। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इसका ऑप्शन होता है लॉफ्ट का या फिर रिवॉल्व का। बेसिकली ये लेथ का ऑप्शन करेगा ये कि जो हमने आउटलाइन क्रिएट करी है इस आउटलाइन की कॉपीज चारों तरफ बना देगा, ठीक है। आपने सिंपल लेथ पे क्लिक करा तो देखें आपके पास ये आपके पास ऑब्जेक्ट आया। अब आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है कुछ। लेथ के ऑप्शन पे क्लिक कर कर इसके एक्सिस को आपने मूव करना है। एक्सिस को अगर आप आगे पीछे इस तरह से मूव करवाएंगे तो देखें आपका इस तरह से ये बॉटल सिंपली तरीके से मॉडल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि मजीद इसकी शेप जो है बहुत ज़रा शार्प नजर आ रही है, तो आप यहाँ पे इस लाइन के ऑप्शन में जाकर वर्टेक्स सेगमेंट में आकर यहाँ पे मजीद इसकी सेटिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक कर कर आपने यहाँ से इसको करा स्मूथ, ये देखें यहाँ से ये स्मूथ हो गया, इनको यहाँ से ले जाकर इस तरह सेट करा। ओके, ये आपने अगेन पहले आपने बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स लगाए थे, ठीक है, अब आपने डायरेक्ट इस ऑप्शन को यूज करते हुए लेथ के ऑप्शन को ऑन किया तो देखिए आपके इस तरह से शेप क्रिएट हो जाएगी। ओके, पर्सपेक्टिव व्यू से आपको दोनों व्यू दिखा देते हैं, ठीक है। इसकी हम सेटिंग कर रहे थे तो काफी टाइम लगा, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको मॉडल करना शुरू करा तो भी जल्दी हो गया, ठीक है। इस वक्त इंडस्ट्री में दो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स मौजूद हैं, जो ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं इसको या फिर इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें होता यह है कि आप जब इसको पर्सपेक्टिव व्यू से चेक करेंगे तो देखें सेम वही चीज शो कर रहे हैं जैसे पॉलीगॉन्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नुकसान होता है, वो ये कि यहाँ पे एक बीच में होल साइड दे रहा होता है, ठीक है ना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अक्सर, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास पॉलीगॉन है, अब इसके एक एक वर्टेक्स का मुझे पता है किस तरीके से हमने इसको क्रिएट करा है, ठीक है, तो हम इसका अगर यहाँ पे कैप अगर डिलीट करना चाहें, ठीक है, तो इसका कैप भी इजीली डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डिलीट ये देखिए। लेकिन अगर इसके कैप को आप सिलेक्ट करेंगे, इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ पे लेथ का ऑप्शन है, ठीक है ना, तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा। अब इसको अगर हम चाहें कि हमें पॉलीगॉन मॉडलिंग में पता है किस तरीके से होती है, तो राइट क्लिक कर कर आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू एडिट पॉली कर कर अब जब इसके पॉलीगॉन्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो देखें वो इस तरीके से पॉलीगॉन शो कर रहा हो, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन को भी यूज किया जाता है, किया जा सकता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। उसकी वजह यह है क्योंकि हमें जब हम जब गेम वगैरह मॉडल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इतना डीपली नहीं देख रहे होते, ठीक है ना, उसके अंदर जो एनवायरनमेंट वगैरह होता है उसको हमने टेक्सचर के जरिए ही काम निकाल लेते हैं टोटल, ठीक है। तो ये सिंपल सा मॉडल है, एक पॉलीगॉन मॉडल है और ये नर्व मॉडलिंग कहलाती है, ठीक है।